आज की जनता ऐसे लोग जो हमारे और आपके बीच में दीवार बन करके खड़े हैं, समय समय पर इस समाज को तोड़ने का संदेश देते हैं, उन सब को आप धोने का काम करोगे, एक एक वोट डाल करके धोने का काम करोगे। वैसे तो चोरी में झगड़ा तभी होता है जब बंटवारा ठीक से नहीं होता है। चोरों में झगड़ा तभी होता है जब चोरी की चीज का बंटवारा ठीक ना हो। और हमें तो वो दिन भी याद आ रहे हैं जो लोग कहते थे बादलों की वजह से रडार से दिखाई नहीं देता है और नाले की पाइप से गैस निकाल करके चाय बनाई जा सकती है। आज वही लोग और उनके सहयोगी लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीन निकाल ली है, जो वैक्सीन लगवाई है, जिनके पास ऐसा ज्ञान है तो उन पे ये भी तो ज्ञान होगा कि वैक्सीन जो लग गई है वो वैक्सीन कैसे निकाली जाएगी। मैं बहुत लंबी बातें नहीं कहना चाहता हूं। हमारा किसान, नौजवान और इस देश की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में और लखनऊ की सरकार ने 7 साल में जनता को झूठी बातें और वादे झूठे देकर के गुमराह करने का काम किया है। हम सब मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनको सबक सिखाने जा रही है। ये लोग जो हमारे आपके पीछे और संविधान के पीछे पड़े हैं, जो अपने आप को कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, ये बड़ी बड़ी होर्डिंगें आप इनकी देखो, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है।